यो आरजी के फॉर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है साथियों। आप देख पा रहे हैं मैं अभी हूँ कार्यालय जिला कलेक्टर बीकानेर, जहाँ पर और भी धरने जारी हैं साथियों। और यहाँ छत्तरगढ़ में धरना शुरू हुआ था 16 अगस्त 2024 को, 33 दिन अभी भी जारी है छत्तरगढ़ में भी। और उनकी टीम 1-2 अगस्त से यहाँ पर बीकानेर कार्यालय में भी उपस्थित हैं। तो आप देख सकते हैं ये इनका बैनर है, इन बैनर के तले ये अपना कार्य कर रहे हैं साथियों, बिना किसी जाति धर्म के, बिना किसी पार्टी के, ठीक है ना। पर्यावरण के हित के लिए ये कार्य कर रहे हैं, तो पर्यावरण हित के लिए हम सभी समाज मिलकर के कार्य करेंगे, हमें बहुत अच्छा लगेगा साथियों। तो ऐसा हमारा विचार है जी। ये संघर्ष समिति है जिसमें आप देख सकते हो किस प्रकार का क्या विचार है। तो नमस्कार 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 गुरुदेव नमस्कार भाई, वो हैं साथी, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन इनका जी। भीड़ है यहाँ पर अभी आप देख सकते हो, तो आपके साथी लोग भी आए हुए हैं, मैं भी आप लोगों के साथ इधर छत्तरगढ़ धरने में आया हूँ या बीकानेर धरने में आया हुआ हूँ, आप सभी बता रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। तो और भी साथी आए हुए हैं बीच में महंत रामेश्वरानंद जी पधारे हैं। नहीं ठीक है, और युवा साथी आप आइए आइए जाजम पे आप बैठ। आप सभी साथी इन थोड़ा बीच में जगह छोड़ोगे ना तो कनेक्ट कर। हेलो थोड़ा ठीक कर, बीच में जगह छोड़ोगे तो आवाज आएगी। भाई दो मिनट प्लीज प्लीज कोई इंटरव्यू ले जी साथियों। अब ठीक है, बस ठीक है साथियों। बीकानेर जिले में सोलर कंपनियों द्वारा सोलर प्लेटें लगाई जा रही है, लाखों की संख्या में खेजड़ी और अन्य वृक्ष काट दिए गए हैं। करीब 2 महीने से धरना जैमलसर के पास रामगोपाल जी विश्नोई के नेतृत्व में चल रहा है। मोखराम जी धारणिया जीव रक्षा संस्थान के अध्यक्ष हैं, इन्होंने और जेठाराम जी लाकुसर ने धरना पहले शुरू किया था छत्तरगढ़। सुनवाई नहीं होने की वजह से उस धरने को जिला हेडक्वार्टर पर ट्रांसफर किए हुए आज 16वां दिन है, वो भी धरना चल रहा है। सूडसर चल रहा है, नोखा दैया चल रहा है। आज ये जो गर्मी बढ़ी है पिछले सीजन में करीब 55 डिग्री टेम्परेचर पहुंचा है, ये खेजड़ियों की अंधाधुंध कटाई की वजह से, पेड़ पौधों की कटाई की वजह से और जो प्लेटें लगी हैं उनकी वजह से पूरे विश्व में ये जहाँ प्लेटें लग रही है गरीब देशों में लग रही है और सभी लोग इसका विरोध कर रहे हैं।
लेह लद्दाख में वांचुक उन्होंने 30 किलोमीटर लंबा जुलूस निकाला और वो दिल्ली के लिए प्रस्थान कर गए, कूच कर गए साथियों के साथ। और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पे उनका दिल्ली में मार्च है। इससे पर्यावरण बिगड़ेगा, खेजड़ी हमारी जीवन दायिनी है, सांगरी देती है, लूंग देती है, खेजड़ी के नीचे फसल भी बहुत अच्छी होती है, ऑक्सीजन देती है 24 घंटे। शहर के लोग जो आज हमारा साथ नहीं दे रहे, मेरा उन सभी से, नौजवानों से मेरा विनम्र निवेदन है श्रीमान मेघवाल का, कि इस 55 डिग्री टेम्परेचर में केवल खेजड़ी का पौधा ही जीवित रह सकता है। इसकी जड़ सीधी जाती है, मूसला जड़ है, इसलिए ये जमीन की नमी लेके जिंदा रहती है खेजड़ी। अगर खेजड़ी कट गई, पर्यावरण बिगड़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया, तो शहर के सभी लोग एसी लगाने के लायक नहीं है। मेरे से गरीबी बहुत बचते हैं, 70-80% है, वो एसी लगा नहीं पाएंगे। चने के दाने भूनते हैं ना भट्टी में, वैसे लोग भून जाएंगे शहर में। ये स्थिति होगी, इन प्लेटों के ऊपर से कोई पक्षी फ्लाइट नहीं भर पाएगा, बीच में ही वो गर्मी से पड़ के मरेगा। हमारी भेड़ बकरियां गाय पशु सेवन, ये आपकी मौत बचाव, ये सब खत्म हो जाएगी, कहां चलेगी ये चारागाह खत्म, पर्यावरण डिस्टर्बेंस। अभी हमारे साथ ही कुछ चर्चा कर रहे थे महाराज साहब, आपसे निवेदन करूं मैं आपसे कि विश्व का जो वातावरण है उसमें अमेजन जंगल है ब्राजील और अर्जेंटीना का, वो 25% के लगभग ऑक्सीजन देता पूरे विश्व को। भारत का हिस्सा मात्र 4.5% के लगभग है ऑक्सीजन के मामले में। भारत की आबादी है करीब 1.5 अरब, हम हर सेकंड में दुनिया भर की ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अगर वो जंगल खत्म हो गया, ये जंगल खत्म हो गया, तो हमारे लिए ऑक्सीजन पर्याप्त तो रहेगी नहीं। बड़े लोग तो गैस सिलेंडर ले लेंगे, आप कहां से लाओगे ऑक्सीजन? इसलिए ये विचारणीय मुद्दा है। कुछ लोग कह रहे हैं ये बिश्नोइयों का मुद्दा है, तो ये खेजड़ी केवल बिश्नोइयों का मुद्दा नहीं है, 36 कौम हर जाति धर्म का मुद्दा है, हम सब का मुद्दा है। आप नौजवान हो, आप नौजवान हो, आप जिस आंदोलन से आए हैं, इस देश में ये प्रजातांत्रिक देश है, कोई भी व्यक्ति इस प्रजातंत्र में गलत भाषा का इस्तेमाल करता है, हम उसका भी विरोध करते हैं, हम उसका भी विरोध करते हैं। प्रजातंत्र में गलत भाषा की जगह नहीं है, एक मर्यादित भाषा होनी चाहिए, एक मर्यादित भाषा होनी चाहिए। आज सरकार हमारी सुनवाई नहीं कर रही है। पहले दिन हम कलेक्टर साहब से मिले थे, मोकराम जी, हम 20-25 लोग डेलीगेशन मिला था, इनके पास में एक छोटी से छोटी एनओसी लेने के लिए पर्यावरण मंत्रालय की मंजूरी होती है, और दुनिया भर की कागजी कार्यवाही है। हमारे साथ में बरसिंग एनएलसी के डीसीएम बैठे हैं, रिटायर्ड अंबाराम जी इनकिया साहब, आप इंजीनियर भी हैं, माइनिंग इंजीनियर हैं। आप बताते हैं कि जब हमने ये प्लांट लगाया तो इसमें 40 शर्तें होती है एक पेड़ को काटने के लिए, वो फुल फिलअप करते हैं तब जाके अनुमति मिलती है साहब। इन्होंने कौन सी अनुमति कैसे दी है, दिखाओ तो सही हमें बताओ, इन कंपनियों को कैसे अनुमति दी है पेड़ काटने की। इसलिए साथियों, आप सब युवा हैं और युवा इस देश का भविष्य है, युवा इस देश का भविष्य है, आप भी इस आंदोलन को सहयोग देवे, जब भी आपको समय मिले आप इस धरने पे आके अपना समर्थन दें। आपका आप पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं महाराज साहब से अनुरोध करता हूँ, महाराज साहब अपनी बात रखें। रामेश्वरानंद जी महाराज साहब, आज खेजड़ी बचाओ पर्यावरण बचाओ 354वां दिन बलिदान दिवस मना रही है मंगलवार को। इसी उपलक्ष्य में आज दादा श्री
इनसे बात करनी चाहते हैं, क्या उद्देश्य लेकर फ्रेजेंडी का जैसे भी पूर्व में बताया गया कितना महत्व है, पूरे सनातन धरतियों का पौधा है, इसको भैरव भी मानते हैं, गुरु भी मानते हैं और यज्ञ इत्यादि में इसको लकड़ियों का उपयोग किया जाता है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? खेतड़ी से जो चीज है, जैसे अभी आपने बड़ी मेडिकल प्रमाणित बात कही कि इसमें इतना ऑक्सीजन हायर ऑक्सीजन होता है, तो खेजड़ी हमेशा ऑक्सीजन देती है, ये तो रिसर्च अब लोगों ने की है, ऋषि महर्षि तो कभी रिसर्च कर चुके थे। मैं इतना ही नहीं करना चाहता कि लोकराम जी और आप जैसे इतने उत्तम कार्यकर्ता यहाँ विराजमान है, और आपको यदि ये लगता है कि ये कोई पार्टी की बात है तो मैं कहूँ बिल्कुल नहीं है, और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ पार्टी तले का काम है ही नहीं, ये काम विनोद जी वो होना चाहिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् भयम्। सिद्धार्थ आज की डेट में इस पाश्चात्य जगत और वेस्टर्न कल्चर का लोगों का जो खान पान है, लोगों को जीने की जो आदतें पड़ गई है, इन आदतों में हर घर से एक पेड़, यदि वो पेड़ लगे तो उसमें सबसे पहला नंबर खेजड़ी का आना चाहिए। खेजड़ी के अंदर आप कभी मेडिकल प्रमाणित बात में निवेदन करना चाहूंगा, संसार का ऐसा कोई रोग नहीं है जिस रोग के लिए सभी वर्ष का पत्ता, जिसको हमारे यहाँ छोटे छोटे पत्ते के रूप में प्रयोग करके उबाल करके जो दिया जाता है, संसार की कोई औषधि इतना बढ़िया कार्य नहीं कर सकती जितना बढ़िया कार्य एक सभी वर्ष का पत्ता करता है। रही बात अभी आपने कहा इसका यज्ञ में प्रयोग होता है, अन्य जो चीजें हैं उनको हम लकड़ी कहते हैं, लेकिन एकमात्र पीपल की और सभी वृक्ष की जो हमारे संविदा होती है वो यज्ञ के लिए इतना उत्तम भाव करती है, यानी एक क्विंटल दूसरी लकड़ी और 10 किलो लकड़ी, मात्र खाली 10 किलो लकड़ी यदि खेजड़ी सभी वृक्ष की ली जाए, वो संविदा उसके इतना ज्यादा ऑक्सीजन होता है कि हमने उसका लेवल चेक करवाया है, वो पास पास का और पूरा जो है जागृत हो जाता है, एक अलग तरह की खुशी उत्पन्न होती है, वो इनविजिबल जरूर होती है, अदृश्य जरूर होती है, लेकिन उसके अंदर इतनी ताकत होती है कि वहां का पूरा वातावरण शुद्ध हो जाता है। हम तो आपसे एक ही बात कहना चाहते हैं, आपके प्रेस के माध्यम से ये कहना चाहते हैं, ये कोई विश्व समाज का, ये हम संतों का नहीं है, ये हम सब सनातनियों का होना चाहिए, जिसके अंदर हमारे बड़े सुंदर ऊर्जावान अभी बहुत अच्छे वक्ता, उन्होंने बहुत अच्छा बात रही, हाँ शिवदान जी ने, हाँ यहाँ जाति वर्ण धर्म की बात कभी नहीं होती, एक जा जम के बैठ करके हम सिस्टम से बात करेंगे, और मैं राजनीति बात यहाँ नहीं करना चाहता, हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आज जन्मदिन है, हमने वहां तक बात पहुंचाई है, और मुझे पूरा विश्वास है, हमें तो आज सिस्टम ने यह भी कहा कि आप जाके घोषणा कर दो कि धरना समापन कर दे, हमने कहा हमें जब पुख्ता परिणाम मिलेगा मोकराम जी हमें कहेंगे कि हमारा काम पक्का हो गया, सबका काम पक्का हो गया, हर सनाती का पक्का हो गया, एक मिनट लगाएंगे, और मोकराम जी हम यहाँ पार्टी की बात नहीं कहेंगे, लेकिन ये कहेंगे जरूर, ये कहे बिना नहीं रहेंगे, हम संघ विचारक थे, संघ विचारक हैं, संघ विचारक जीवन पर्यंत रहेंगे, हमारी आज सब वार्ता हुई है, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है, यदि वो आश्वासन के परिधि में ठीक बैठ जाते हैं ठीक है, नहीं तो आगे तक भी कार्रवाई की जाएगी। आप जो जितने यहाँ धरने पर विराजमान हैं उन सभी के प्रति मैं बहुत बहुत साधुवाद प्रदान करता हूँ,
आप ये तो तपस्या कर रहे हो, ये तपस्या आपकी खाली नहीं जाएगी, इस तपस्या से गुण निकल के आएगा। और आपसे हमारा निवेदन, जहां भी ये आपका इंटरव्यू हो, हम आपसे चाहेंगे कि समाज को शिक्षा दे, समाज को जागृति कराए। जैसे मुझे बहुत अच्छी इनकी बात लगी, ये हर एक का धर्म होना चाहिए। और ये प्रैक्टिकली आज की डेट में यदि कोई आपको कहे, अभी ताजा ताजा एडिशन मिलेगा आपको अमेरिका की सचिव पत्रिका फोर्ब्स का, फोर्ब्स ने लिखा है कि भारत में पर्यावरण की रक्षा के लिए जो कार्य किए जा रहे थे, वैदिक काल से किए जा रहे थे, उस कार्य को धीरा होने की वजह से हम लोगों ने ध्यान केंद्रित नहीं किया है, उसका परिणाम हमारी पीढ़ी दुख ना पाए, तुरंत प्रभाव से कार्य होना चाहिए। एक आह्वान करें, हर घर के आगे वृक्ष हो, चाहे पीपल का हो, खेजड़ी का हो। इसको फिर ये ना माने कि मोदी जी का संदेश लेकर के आए। मैं धर्म का सनातन व्यक्ति हूं और मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सभी अपने घर के आगे शुद्ध प्रसाद भोजन आप जूठन में डालते हो, उस जूठन भोजन को आप बाहर कुंडी में रखिए। ऐसा नहीं हो क्या मैं उसको जूठा किया हो, उसको गौ माता को प्रसाद कराइए और घर के आगे एक वृक्ष जरूर लगाइए। उसके लिए मैं खेजड़ी का विशेष महत्व करना चाहूंगा। मोखराम जी, हमारे आदरणीय वकील साहब और हमारे शिवदान जी और उनकी सारी टीम को मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत सुंदर ये अपना तपस्या कर रहे हैं। और विश्वास दिलाता हूं मोखराम जी की ये तपस्या जल्दी आपकी पूरी होगी, आपको भगवान दिन मधु व्यद प्रदान करेगा। बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल कामना। धन्यवाद देना चाहता हूँ आप खेतरी बचाओ पर्यावरण संघर्ष समिति जो 16 दिनों से धरने पर बैठा है। मैं यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता होने के नाते आपसे वादा करता हूँ, आप जब भी मुझे बुलाओगे मैं पूरी टीम के साथ सैकड़ों साथियों के साथ यहाँ आऊंगा। ये खेजड़ी की बात है, अब ज्यादा लंबी चौड़ी बात तो क्या करूँ, एक आवाज दे देना 500 साथियों के साथ आपका सहयोग और समर्थन के लिए ये बहुत हमेशा प्यार रहेगा। धन्यवाद। अभी मेरे साथ हैं अमराम जी पुरो महाप्रबंधक एनएलसी बरसिंह सर से हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। पावर प्लांट की स्थापना होती है, उनकी शर्तें क्या, उद्देश्य होते हैं और उनके क्या प्रभाव पड़ते हैं, इनके कारण योजना क्या होती है, बता दीजिए। किसी भी परियोजना प्रोजेक्ट की स्थापना के समय पर्यावरण मंत्रालय से स्वीकृति दी जाती है। इसमें मैं इसका ही उदाहरण दूंगा, कोयला आधारित जो बिजली घर की स्थापना जो हमारे पश्चिमी राजस्थान में हुई, उसके लिए पर्यावरण मंत्रालय ने स्वीकृति देते समय लगभग 45 शर्तें लगाई थी। पर्यावरण की स्वीकृति लेना किसी परियोजना के लिए शेरनी का दूध लाने के समकक्ष होता है। आज इनको खुली छूट दे रखी है कि जहाँ मर्जी पड़े वो लगाओ और ग्रीन एनर्जी का इनको दर्जा दे दिया है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें जो नई परियोजना जो लगाते हैं उसमें वृक्षारोपण पे इतना ध्यान देते हैं कि एक तिहाई भूमि पे वृक्षारोपण की शर्त लगाई जाती है। तो जो ये सोलर पावर प्रोजेक्ट्स हमारे पश्चिमी राजस्थान में विशेषकर तो लगाए जा रहे हैं, इसमें इनके लिए भी ऐसी कड़ी शर्तें लगाई जानी चाहिए जिससे जो पर्यावरण पे इसका विपरीत जो प्रभाव पड़ रहा है इन सोलर पावर प्रोजेक्ट की वजह से, उसकी भरपाई कैसे की जाए, इस पर गंभीरता से विचार विमर्श करके इनको वन विभाग के साथ चर्चा करके उनके समन्वय से कुछ इलाके ऐसे आवंटित किए जावे, मालिकाना हक नहीं देवे लेकिन उन जगहों पे सेलेक्टेड जगह पे वृक्षारोपण का कार्य करके पर्यावरण पे जो विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, प्रदूषण हो रहा है, पशु पक्षियों को इनको जो जीवन यापन के लिए जो इनके लिए आवश्यक चीज़ें हैं, वातावरण है, उसको संरक्षण करने के लिए वृक्षारोपण पे बहुत ही ध्यान देने की आवश्यकता है। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ है एडवोकेट विनोद जी शर्मा है, ये राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय गो क्रांति मंच नई दिल्ली के आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं विनोद जी। तो आप धरने के
उद्देश्य उनके बारे में थोड़ा बताइएगा। यह हमें पता है कि 16 अगस्त 2024 से छत्तीसगढ़ से शुरू हुआ, वहाँ पर नहीं मिल पाई सुविधाएं, जो रिजल्ट आपका अच्छा नहीं निकला, फिर आप लोगों की टीम है जो 2 अगस्त 2024 को बीकानेर में आई और आज 16वां दिन है। अभी हमने बहुत सारी चीज़ें सुनी है, अब आपके मुखारबिंद से हम कुछ सुनना चाहते हैं। जी सर बोलिए। बीकानेर में 2 सितंबर से धरना चल रहा है, आज 16वां दिन है। हमारा उद्देश्य है कि आदमी को जीने के लिए हवा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और जो खेजरी का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, तुलसी, ये तीनों ऐसे वृक्ष हैं जो 24 घंटा ऑक्सीजन देते हैं। ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो आदमी, जीव जंतु, पशु, कोई भी जीवित नहीं रह पाएगा, इसलिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। हमारा उद्देश्य खाली यही है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं आए, पेड़ पौधे बचे रहे। बिजली की तो जरूरत बाद में पड़ती है, आदमी को जीने के लिए हवा, पानी, भोजन, इन तीन की आवश्यकता होती है। अगर आदमी को भोजन नहीं मिले तो 3-4 महीने तक जीवित रह सकता है, और अगर पानी नहीं मिले तो 5-7 दिन तक जीवित रह सकता है। अगर हवा नहीं मिले, ऑक्सीजन नहीं मिले, तो आदमी 5 मिनट भी जीवित नहीं रह सकता। इसलिए ये धरना दिया जा रहा है कि आप सभी के लिए, पूरे पर्यावरण की रक्षा के लिए ये धरना दिया जा रहा है कि ऑक्सीजन हर आदमी को जरूरत रहेगी। ऑक्सीजन के बिना जीवित कैसे रहेगा? अगर पेड़ कट जाएंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? एक तरफ तो अपने माँ के नाम से पेड़ लगा रहे हैं, और एक तरफ मेरे दादाजी, मेरे पिताजी ने जो पेड़ लगाए उनको सरकार काट रही है, ये कहाँ का न्याय है? आप विकास करो, आप विकास के खिलाफ नहीं है, लेकिन विकास के साथ विनाश मत करो। विनाश करोगे तो विकास आपका शून्य हो जाएगा। हमें इतनी सोलर प्लेट की, सौर ऊर्जा की जरूरत नहीं है जितनी ऑक्सीजन की जरूरत है। ऑक्सीजन का पहला महत्व है कि हमें ऑक्सीजन मिले, और पहले वाले रहते थे बिना पंखे के। मैं खुद पटा हुआ हूँ, मैं चिमनी में पटा हुआ हूँ, लालटेन में पटा हुआ हूँ, मैं खुद पटा हुआ हूँ, और मैंने पढ़ाई में कोई कमी नहीं रही है। लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष, युवा अध्यक्ष प्रदीप शर्मा इस धरने पर आए, इनका स्वागत है, पूरी टीम के साथ आए, बहुत बहुत स्वागत है। और ये आपका ही धरना है, हम तो कर ही रहे हैं, सब लोगों का धरना है, इसमें कांग्रेस, बीजेपी नहीं, पार्टियों का धरना नहीं, हर आदमी का धरना है। इसलिए आप समर्थन देने आए, बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरा निवेदन है आप अपने विचार रखें। आज बीकानेर युवा कांग्रेस के द्वारा हमारे प्रभारी बीकानेर जिले के प्रदेश के महासचिव राहुल जी यादव और भाई प्रदीप शर्मा, जिलाध्यक्ष गौर भाई कोंगड़ा और विधानसभा अध्यक्ष लक्की खान और पूरे जिले युवा कांग्रेस की कार्यकारिणी के द्वारा, संघर्ष समिति बीकानेर के द्वारा जो अनिश्चितकालीन धरना दे रहा है, उसको यूथ कांग्रेस मजबूती के साथ पूरा सपोर्ट करती है, उनके साथ युवा कांग्रेस की जहाँ भी जरूरत पड़ेगी, यहाँ भाजपा की सरकार के खिलाफ आपको युवा कांग्रेस का हर जाबाज सिपाही आपके साथ खड़ा मिलेगा। ये सभी साथी पीछे आ जाओ, सारे इधर आ जाओ ना यार, आराम से बैठ जाओ, 5 मिनट छूते हो। बीकानेर द्वारा जो अनिश्चितकालीन धरना लगाया गया है, उसके अंदर हमारी पूरे बीकानेर युवा कांग्रेस की टीम आज समर्थन देती है। केजरी बचाओ, आज केजरी हमारे पर्यावरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आज ये बीकानेर के अंदर जो एक व्यापारिक दृष्टि को देखते हुए जो सोलर प्लांट और जो भी लग रहे हैं, हमारे सबको पता है ये हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसका नुकसान हमारे आगामी पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। इसलिए जो ये संघर्ष समिति ने जो बेड़ा उठाया है, उसको हमारी पूरे युवा कांग्रेस की टीम सपोर्ट करती है। भविष्य के अंदर हमारे युवाओं की कभी भी, किसी भी वक्त, 24 घंटे में कभी भी, किसी भी वक्त जरूरत पड़ेगी, हमारी पूरी टीम तैयार रहेगी और संघर्ष समिति के लिए हर कदम पे साथ में खड़ी है। इसके लिए मैं संघर्ष समिति के अध्यक्ष जी को और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद। जैसा कि संघर्ष समिति द्वारा अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है, हमारे जिले के अध्यक्ष प्रदीप शर्मा जी, ग्रामीण के अध्यक्ष भंवर कुगना जी ने आपको समर्थन दिया है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ ये मेरे दोनों नौजवान साथी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
समिति द्वारा जो पर्यावरण बचाओ खेजड़ी बचाओ का जो धरना लगाया है वो वास्तव बहुत ही जरूरत है इसके कार्य की, क्योंकि लोग अपने नफे के चक्कर में अपने जीवन जीने की जो शैली है, जो खेती जिससे अपने ऑक्सीजन मिलता है, उस कारण हम लोगों का जीवन बना हुआ है, आने वाली पीढ़ियों का नुकसान होने वाला है। अगर इस तरह अगर खेजड़ी काट दी जाएगी तो जीवन बचाना इम्पॉसिबल होगा। तो हम सभी यूथ कांग्रेस पार्षदगण आप इस समिति का, इस धरने का पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आज इस खेजड़ी बचाओ पर्यावरण समिति के बैनर तले अनिश्चितकालीन धरने पधारे हमारे प्रदेश यूथ कांग्रेस के महासचिव और शहर के प्रभारी आदरणीय राहुल यादव जी, हमारे प्रदेश के महासचिव भाई फरमान कोरी जी, हमारे ग्रामीण के अध्यक्ष भाई भवन कुकड़ा जी, शहर के अध्यक्ष भाई प्रदीप शर्मा जी और समस्त युवा साथी, आज जो खेजड़ी का जो बैल, ये खेजड़ी का बैल प्राचीन काल से राजस्थान में रहा है और राजस्थान का राज्य वृक्ष भी माना गया है। पर गांव के अंदर जो खेत के अंदर किसान हल जोतता है, काम करता है, तो उसको छाव प्रदान करने का कोई काम करता है तो ये खेजड़ी का पेड़ ही करता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ना केवल खेजड़ी पर्यावरण को बचाने के लिए प्रत्येक वृक्ष और उस रहने वाले हमारे सारे जानवर इस प्रकृति को बचाने के लिए हमेशा अहम रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि भाई साहब दोनों जिलाध्यक्ष जी और हमारे दोनों महासचिव जो का आग्रह पे युवा कांग्रेस हमेशा आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। यूथ ग्रामीण और शहर सभी को मेरा बहुत बहुत आभार। आप सभी युवाओं ने आकर के समर्थन दिया खेजड़ी बचाओ पर्यावरण बचाओ संघर्ष समिति को, इसलिए हम आपको जब भी याद करें आप अपनी टीम के साथ आकर के खड़े रहे इस पर्यावरण प्रकृति को बचाने के लिए। आभार आपका, धन्यवाद, शुभकामनाएं। फोटो खींचे एक बार सामने। खेजड़ी बचाओ, खेजड़ी बचाओ, पर्यावरण बचाओ, खेजड़ी बचाओ, पर्यावरण बचाओ। राज्य सरकार होश में आओ, राज्य सरकार होश में आओ, राज्य सरकार होश में आओ, खेजड़ी बचाओ, पर्यावरण बचाओ, खेजड़ी बचाओ, पर्यावरण बचाओ। अभी तो ली अगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ली अगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ली अगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। चोर चुलम की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, चोर चुलम की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। गौ माता की जय, हत्या बंद करो, हत्या बंद करो। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना।